जय हिंद दोस्तों, फिर से हिंदुस्तानी भाऊ आपके सेवा में। ये क्या हो गया? अभी मजा आएगा ना, जो इसमें आया पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। यार ये बंगार की शक्ल के है, बाप को भूल गया क्या? चल हिंदुस्तानी भाऊ है, समझा? मूड में है क्या मार खाने के? छह मारूंगा। टोनी स्टार्क ने कई बार अपने इन्वेंशन से अर्थ को बचाया है और विलेन को करारी टक्कर भी दी है, और कई बार इन्हीं इन्वेंशन से काफी विलेन्स बनाए भी हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टोनी स्टार्क के वो सारे इन्वेंशंस जो कि हमें अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से टोनी स्टार्क जिंदा है, मतलब कि आर्क रिएक्टर। हाँ, वही आर्क रिएक्टर जो कि टोनी स्टार्क के चेस्ट पर लगा रहता है, इसे आप मैकेनिकल हार्ट भी कह सकते हो। और यही आर्क रिएक्टर टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट के लिए पावर सोर्स का काम भी करता है। सिविल वॉर आते आते टोनी स्टार्क इस चीज पर इतना ज्यादा काम कर चुका था कि उसने छोटी सी आयरन मैन रिस्ट गॉन्टलेट पर भी एक छोटा आर्क रिएक्टर लगाया। खैर, एंड गेम आते आते टोनी इस रेस में इतनी ज्यादा आगे निकल चुका था कि उसने एक रिमूवेबल आर्क रिएक्टर बनाया जो कि हमें एंड गेम के शुरुआती सीन में देखने को मिला था। खैर, इन्फिनिटी वॉर में टोनी ने पेपर पॉट्स को ये पहले ही बता दिया था। रिपल्सर ब्लास्ट एक ऐसी कंसेसिव एनर्जी थी जो कि टोनी स्टार्क अपने बनाए हुए कवच आयरन मैन के हाथ से फायर करता था, और ये स्टार्क इंडस्ट्रीज की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी थी जो कि हाई डेंसिटी चार्जेस के ब्लास्ट करता था। टोनी अपने हर सूट में इसे जनरली अपने ऑफेंसिव वेपन की तरह यूज करता है, और इसी तरह के दूसरे रिपल्सर आयरन मैन के फुट में लगे थे जो कि उसको फ्लाइट में मदद करते थे। वेरोनिका का फर्स्ट अपीयरेंस हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया गया, और इसको ब्रूस और टोनी ने मिलकर बनाया था हल्क को रोकने के लिए। और जब भी हल्क बस्टर के पार्ट्स खराब जाते थे तो वेरोनिका उन पार्ट्स को नए पार्ट से रिप्लेस करती थी। इसको स्पेस से कहीं भी बुलाया जा सकता था, साथ ही में इसी के अंदर एक मेटल इलेक्ट्रिफाइड प्रिजन सेल भी था जिसने कुछ सेकंड के लिए हल्क को ट्रैप किया। आ न्यू एलिमेंट, टोनी के चेस्ट पे लगा पैलेडियम कोर टोनी के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा था, और ये प्रोसेस एक्सीलरेट हो रहा था आयरन मैन की पावर लीचिंग से, और फिलहाल टोनी को इसका सॉल्यूशन चाहिए था तो टोनी स्टार्क ने एक नया एलिमेंट ही बना लिया। खैर, यहाँ पर टोनी ने अपने पापा हॉवर्ड स्टार्क के कंधे पर बंदूक रख के चला दी। इस न्यू एलिमेंट की रिसर्च हमारे हॉवर्ड स्टार्क ने की थी जो कि उस टाइम की सीमित टेक्नोलॉजी की वजह से इसको डिस्कवर नहीं कर पाए। टोनी ने उसी रिसर्च पेपर्स को उठाया और पार्टिकल एक्सीलरेटर की मदद से एक न्यू एलिमेंट बनाया जिसको उसने नाम दिया बेडेशियम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते ही सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है जार्विस, और ये एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जो कि ह्यूमन इमोशन को समझने की काबिलियत रखता था। हालांकि अल्ट्रॉन को रोकने के लिए इसने खुद को सैक्रिफाइस किया, और फिर इसकी जगह ली फ्राइडे ने, और फिर यही फ्राइडे एंड गेम तक टोनी के साथ रहा। टेलीप्रेजेंस हेडसेट, पर सबसे पहले टोनी स्टार्क ने इस टेलीप्रेजेंस हेडसेट को यूज किया था मार्क 42 के साथ, और इसी हेडसेट की मदद से स्टार्क अपने थॉट सूट तक पहुंचा सकता था। ये चीज टोनी को अलाउ करती थी कि वो सूट को रिमोटली भी कंट्रोल कर सकता है जहां डिस्टेंस मैटर नहीं करती। ये हेडसेट टोनी के ब्रेन वेव या फिर कहें उसके मेंटल कमांड्स को सीधा उसके सूट तक पहुंचाता था। अल्ट्रॉन को अकेले बनाना टोनी के बस में नहीं था क्योंकि जार्विस इतना ज्यादा डेटा डाउनलोड नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए टोनी को अपने ही जैसे किसी दिमाग की जरूरत थी जो कि थे डॉक्टर बैनर। दी एवेंजर्स के इवेंट्स के बाद टोनी को ये बात पता चल गई थी कि एवेंजर्स मिलकर भी अर्थ को नेक्स्ट एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल थ्रेट से डिफेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो पूरी धरती पर एक कवच बनाना चाहता था, और इसीलिए उसने अल्ट्रॉन पीस कीपिंग प्रोग्राम बनाया। बट अल्ट्रॉन के लिए पीस इंसानियत को मिटाना थी, और तभी अल्ट्रॉन ने उस टाइम पे एक विलेन का काम किया, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का हमें यूज शील्ड के हैरी कैरियर में दिखा जिसकी वजह से वो लोग अदृश्य हो पाए। वेल, ये एक कैमोफ्लेक्स टेक्नोलॉजी थी जिसे नॉर्मल ह्यूमन विजन नहीं देख सकती। साथ ही में इसी चीज का यूज टोनी अपने सूट में भी एक बार कर चुका है। बाइनरीली ऑगमेंटेड रेट्रो फ्रेमिंग, इसी का यूज हमें सिविल वॉर और इसका एक कमाल का इल्यूजन हमें फार फ्रॉम होम में देखने को मिला, और इसको बनाया था क्विंटन बेक ने। टोनी ने बेक के सिस्टम को थेरेपेटिक परस्यूट करने के लिए यूज किया और इसको रीमेड करके बनाया बाइनरी ऑगमेंटेड रेट्रो फ्रेमिंग। ये टेक्नोलॉजी किसी भी इंसान को उसकी पुरानी यादें एक्सपीरियंस करा सकता था। वेल, फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो ने इसी को यूज किया और स्पाइडरमैन के लिए कमाल का इल्यूजन तैयार किया। आयरन मैन रिस्ट गॉन्टलेट, ये आयरन मैन रिस्ट गॉन्टलेट एक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी थी
थी जो कि एक्टिवेट होती थी टोनी के रिस्ट वॉच से। जब टोनी विंटर सोल्जर से फाइट करने जा रहा था तब उसने आयरन मैन रिस्ट गॉन्टलेट का यूज किया और ये सोनिक ब्लास्ट भी फायर कर सकता था। साथ ही में इसी के फ्लैशिंग फीचर ने कुछ पलों के लिए बांस को डिसओरियंट कर दिया। ये आयरन मैन रिस्ट गॉन्टलेट फ्लैश बीम अल्ट्रासोनिक पल्स को भी फायर कर सकता था। साथ में इसकी इतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी थी कि ये बांस की एक मेटल बुलेट को भी सह गया। आयरन स्पाइडर, और इसी को आप आइटम 17A के नाम से भी जानते हो। पार्कर ने इस सूट को यूज किया क्यूशिप में और इसी ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाया, और बैटल ऑफ टाइटन में इसी ने गार्जियंस के बहुत मेंबर्स को बचाया, और एंड गेम में बैटल ऑफ अर्थ में इसी सूट ने थोड़ी देर के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट की रक्षा की। टोनी स्टार्क के मार्क 50 की तरह ये आयरन स्पाइडर भी नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। टाइम ट्रेवल GPS, टोनी ने एंड गेम में टाइम ट्रेवल को पागलपंती बोला था, पर ब्रूस ने लगभग इस टाइम डकैती को पॉसिबल किया, पर इसकी फिनिशिंग और इसका प्रॉपर यूज टाइम ट्रेवल GPS की मदद से हो पाया जो कि टोनी ने बनाया था। और इसी टाइम ट्रेवल GPS की मदद से एवेंजर्स एक एक्यूरेट टाइम और स्पेस से अपने लगाए हुए इनपुट कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच पाए। नैनो गॉन्टलेट, ये नैनो इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। इस गॉन्टलेट को टोनी और प्रोफेसर हल्क ने मिलकर बनाया था, बट प्रोफेसर हल्क ने इसका यूज करके वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन जो कि डेसिमेशन इवेंट का शिकार हो गई थी उसको रिजरेक्ट किया। खैर, एक अनंत मणियों की अनंत शक्तियों को एक नैनो टेक्नोलॉजी इन्फिनिटी गॉन्टलेट संभाल ले गया, ये बहुत है। जहाँ पर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के स्नैप के बाद उरू मेटल के गॉन्टलेट की भी हालत बुरी हो चुकी थी। इवेंडेड आई एम द हीरो, खैर यार ये चश्मा कितना ज्यादा खतरनाक है ये हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखने को मिल चुका है। यही एडिथ स्टार्क इंडस्ट्रीज के पूरे यूजर इंटरफेस को कैरी करता है और इसके यूजर को एक्सेस देता है स्टार्क के सैटेलाइट नेटवर्क को कंट्रोल करने की, जिसमें थाउजेंड ऑफ टैक्टिकल ड्रोन्स थे। साथ ही में यही एडिथ ग्लासेस अपने साथ पोटेंशियली हैकिंग कैपेबिलिटीज को भी कैरी करता था। खैर, एडिथ का एक शुरुआती फॉर्म हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिख चुका है। तो अभी तक हमने टोनी स्टार्क के जितने भी इन्वेंशंस के बारे में बात किए हैं वो सब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव में किए हैं। कॉमिक्स में टोनी ने इससे भी भयानक और दमदार चीजें बनाई थी, जैसे कि एंटी ग्रेविटी डिवाइस, डिसइंटीग्रेटर रे, एक्सट्रीमिस्ट 3.0 ऐप, सेंटिएंट आर्मर, जुपिटर लैंडिंग व्हीकल, द मैंड्रॉइड्स, और इसी के साथ एक ऐसा खतरनाक वायरस बनाया था जो कि सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सारे रिकॉर्ड्स को ही मिटा दे। अगर आप टोनी स्टार्क के कॉमिक्स में बनाए हुए इन्वेंशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। साथ में अगर हमने यहाँ पे कोई इन्वेंशन मिस कर दिया है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप कमेंट तो कर ही दिया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।